हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Z5 पे रिलीज हुई एक नई फिल्म जिसका नाम है चिंटू का बर्थडे। इस मूवी की ओवरऑल लेंथ है 1 घंटा 23 मिनट की और ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा इस मूवी में आपको अरेबिक लैंग्वेज और इंग्लिश भी सुनने को मिलेगी। खैर बात करते हैं इस मूवी की, तो इसमें हमें नजर आते हैं विनय पाठक मेन लीड में। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी मूवी जो फाइनली आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो और आप कहीं से भी बोर हो गए नहीं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी आज की तारीख में हमारे इंडिया में बहुत कम ऐसी फिल्में बनती है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। ये एक ऐसी फिल्म है जहां पर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी तरह से आप चिंटू की फैमिली से कनेक्ट हो जाते हो, उनके साथ हंसते हो, उनके साथ रोते हो और उनके लिए आपको फिक्र भी महसूस होती है। और साथ साथ ये फिल्म जहां पर खत्म होती है हमको ऐसा लगता है कि यार और भी हमें जानना है चिंटू की फैमिली के बारे में कि उसके आगे होगा क्या। तो ये सब चीजें इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाती है। और मैं इतना कह सकता कि जो लोग इस फिल्म को एक बार देखेंगे ना, वो पूरी तरह से चिंटू की फैमिली के फैन हो जाएंगे। और स्पेशली यहाँ पर मैं विनय पाठक की बात करूं तो यार वो एक ऐसे एक्टर है जो हर फिल्म में होते हैं, उनको कोई भी रोल दो, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो इमोशनल हो, वो सभी रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। और इस उसके अलावा जो बच्चे ने चिंटू का रोल प्ले किया, वो जिस तरह से डायलॉग बोल रहा है ना, इतनी मासूमियत लगती है ना, चाहे वो अरेबिक लैंग्वेज में डायलॉग बोल रहा है तब भी अच्छा लगता है, चाहे वो हिंदी में बोल रहा है तब भी अच्छा लगता है। उसके अलावा इस मूवी में दूसरे और भी बच्चे जो इराकी बच्चे हैं, उन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। खैर इस मूवी की कहानी की बात करते हैं, मुझे पता है कि मैंने इस मूवी की कहानी बताने से पहले बहुत कुछ आप लोगों से शेयर कर दिया, क्योंकि ये फिल्म है इस तरह की, मैंने अभी इस फिल्म को देखा है और इसके बाद मैंने कुछ भी इस फिल्म के बारे में लिखा नहीं, बस मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। खैर इस मूवी की कहानी शुरू होती 2004 में इराक से, जहां पर आप सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जितने भी यूएस आर्मी के लोग हैं वो पूरी तरह से इराक पे कब्जा कर चुके हैं। वहां पर जितने भी इंडियंस हैं उन सबको हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने वापस तो बुला लिया, लेकिन कुछ ऐसे इंडियंस अभी भी वहां पर रह रहे जिनके पास ठीक तरह से डॉक्यूमेंट है नहीं या कुछ और वजह से वो वहां पर ही फंसे हुए। तो उन्हीं में से एक है विनय पाठक की फैमिली, जिसको इंडिया वापस तो जाना है लेकिन वो जा नहीं पा रही है। और इसी बीच में आता है उनके बेटे चिंटू का बर्थडे। अब चिंटू इस साल का बर्थडे को बहुत ही अच्छी तरह से मनाना चाहता है, क्योंकि पिछले साल का बर्थडे को ये सिचुएशन की वजह से बहुत ही बुरी तरह से लोगों ने मनाया था। तो इस बार चिंटू चाहता है कि उसका बर्थडे अच्छी तरह से मने, तो लोग पूरी तरह से प्रिपेरेशन कर देते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब उनके घर के बाहर एक कार में ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस मूवी की जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे क्या लगी। ऑल्दो काफी कुछ मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी बाकी, जैसे कि इस मूवी की कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं यहाँ पर वर्ड्स नहीं है मेरे पास। यानी कि 1 घंटा 23 मिनट में वो आपको एक ऐसी फैमिली से मिला थे जो आपको अपनी फैमिली लगती है, और हर एक कैरेक्टर इस तरह को यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया कि मतलब आप किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाते, जो कि सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको कहीं से भी बोर करता नहीं, और जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस मूवी में और भी इंटरेस्ट बनता रहता है। और उसके अलावा इस मूवी की जो खास बात मुझे लगी वो ये है कि पूरी मूवी एक ही घर में शूट हुई है, यानी कि आपको बाहर का कुछ भी लोकेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये मूवी आपको देखने में अच्छा लगता है। इस मूवी में अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो विनय पाठक सर की तो मैंने पहले तारीफ कर चुका, और जिस लड़के ने चिंटू का रोल प्ले किया उसके बारे में भी आपको बता चुका, लेकिन उसके अलावा जितने भी और कैरेक्टर्स है उन सभी लोगों ने अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छी तरह से किया। तो कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि इस मूवी को बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट किया, बहुत ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने मिली, बहुत अच्छी राइटिंग इस मूवी की, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा। तो कुल मिला के ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी चीज मुझे लगी नहीं जो आप लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो बस आज फ्राइडे है, एंजॉय करना अपनी फैमिली के साथ, तो बिंदास करो। ऐसे भी लॉकडाउन है, कोई घर से बाहर तो जा रहा नहीं, तो यार घर में बैठो और पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय करो। तो बस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।